वहीं स्थानीय दुकानदारों ने भी दुकानों के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। दुकानदारों का कहना है कि एक ओर कोरोना काल में काम के अभाव में आर्थिक मंदी झेलनी पड़ रही है, वहीं हिमुडा द्वारा दुकानों के निर्माण कार्य में की जा रही लेट लतीफी से कारोबारियों को दोहरा नुकसान हो रहा है। लोअर बाजार और सब्जी मंडी के दुकानदारों ने सरकार, नगर निगम और हिमुडा से जल्द दुकानों का निर्माण करने की मांग की है। मैं रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से करता हूं कि हमें एक तो हमारे यहां पे काम नहीं है, प्लस कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई है, ना हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प मिली है ना गवर्नमेंट से, ना हमें आजकल काम है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बने, और बार बार कभी दुकानें बन रही है कभी टूट रही हैं, हम चाहते हैं कि फटाफट बन जाए। उन दुकानों को बनाने के लिए लगा है, लेकिन जो उसकी गति चली हुई है अभी भी हुआ है, लगता है उसमें 3 महीने और लगेंगे जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। हमने इनको चेतावनी दी थी कि अगर ये 15 दिन के अंदर, मतलब 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक अगर दुकानें बना करके नहीं देंगे तो हम जो है व्यापार मंडल व्यापारियों के साथ बैठ करके भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और जब तक वो दुकानें बिल्कुल बना करके नहीं देंगे तब तक वो वहीं पर धरने पर डटे रहेंगे। और जिस प्रकार से नगर निगम ने दुकानें खाली कराई थी और दुकानदारों को ये बोला गया था कि आपको 16-16 फुट की दुकानें देंगे, वो 16 फुट की भी दुकान ना दे करके 12 फुट की कर दी गई है, और 12 फुट के बावजूद भी उसको 7 महीने हो चुके हैं। मतलब दुकानदार को उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तोड़ करके नहीं बनाने में, सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्मार्ट सिटी का पैसा जो है बेफजूल खर्चा जा रहा है अब जो लग रहा है। तो ये काम जो है आगे भी दुकानदारों से हम खाली कैसे कराएंगे इसको लेकर के हम पूरा समझौता पत्र देंगे। अगर वो सही ढंग से सही समय पर दुकानें वापस देंगे तो पक्की दुकानें भी खाली कराएंगे, लेकिन अगर ये जल्दी नहीं बनाते हैं तो हम जो है 22 तारीख के बाद भूख हड़ताल से बैठेंगे और व्यापारियों को साथ लेकर के बैठेंगे। वहीं नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने माना कि निर्माण कार्य में देरी हो रही है, लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि कुछ कारोबारी नई बन रही दुकानों की ज्यादा ऊंचाई होने पर न्यायालय चले गए थे। वहीं लोअर बाजार टनल के पास बन रही दुकानों का निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार ने काम से हाथ पीछे खींच लिए थे, लेकिन अब हिमुडा ने दोबारा से टेंडर कॉल कर दिया है। निगम आयुक्त ने शहर के कारोबारियों को आश्वस्त किया कि दुकानों का जल्द निर्माण हो सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ये MC के पुराने लेसीज हैं, किराएदार हैं, और स्मार्ट सिटी में एक मौका मिला है कि ये जो पुराने टाइम से दुकानें हैं इनको हम अच्छा बना सकें, ब्यूटीफाई कर सकें, स्पेस भी थोड़ी और निकलेगी और शहर अच्छा होगा। तो इसी प्रोसेस में हमने 3 शॉप्स तो बना के दे दी हैं, उसके बाद एक और हमने फेज़ चलाया था जिसके अंदर की 12 शॉप्स थी, और वहाँ पे थोड़ी हाइट ज़्यादा हो गई और जिसके कारण कुछ लोग कोर्ट में भी चले गए थे, और उसके कारण डिले थोड़ा हो गया, और अब वो हाइट हमने कम कर दी है, और हाइट कम करने से वहाँ पे मतलब विद इन ए वीक ये शॉप्स जो कि लेसीज हैं उनको मिल जानी चाहिए। इसी के साथ साथ एक दूसरे पैच में जो टनल के साथ है वहाँ पर भी शॉप्स हैं 5-6, और उनमें भी कार्य चल रहा है। ये बात सही है कि डिले इसमें हुआ है। एक्चुअली स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जो इस काम को देख रही है वो हिमुडा है, और उनका ये वर्षन था कि ये जो टनल के साथ शॉप्स हैं उन्होंने टेंडर तो कर दिया था इसका, बट टेंडर करने के बावजूद वो कॉन्ट्रैक्टर कार्य नहीं कर पाया, तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर के काम को रिसाइंड कर दिया है, और अब दोबारा से वो नए सिरे से ये काम एलोकेट किया गया और इस कार्य को कर रहे हैं। तो उनसे रेगुलरली हमारी बात होती रहती है, एक्सचेंज साहब से मुंडा के, तो होपफुली ये शीघ्र अतिशीघ्र दुकानें तैयार हो जाएंगी।